वही अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 5 लोगों ने 6 नामांकन पत्र के लिए हैं, लेकिन जमा किसी ने भी नहीं करवाया है। आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि 27 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इस बीच 3 दिन सार्वजनिक अवकाश है। इन दिनों को छोड़कर कभी भी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन करवाया जा सकता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 3 बजे का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके अपना धारा 144 लगाई हुई है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी हैंडबुक है कि जो अंदर नॉमिनेशन पेपर देने के लिए 1+4 जो कैंडिडेट और उनके साथ 4 लोग आ सकते हैं और जो अंदर का जो प्रोटोकॉल है वो क्लियरली मेंशन है।